दिस इज अ जीन एडिटिंग टूल, ठीक है, इसके बारे में डिटेल की जरूरत तो नहीं, ठीक है। दिस इज एंजाइम कैस9, दिस इज अ टूल। नाउ बिफोर दिस, दिस इज वी कैन से वन ऑफ द रेवोल्यूशन इन साइंस एंड टेक। बिफोर दिस देयर आर टैलन वगैरह काफी जीन एडिटिंग टूल थे, बट फॉर एग्जांपल यू वांट टू एडिट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, so this gene is defective. Now you want to remove this and add another one. Before CRISPR-Cas9, you have to locate it first. Then you have to edit the gene. So वहाँ पर problem क्या होती थी? It is very difficult to trace the exact location कि हमने कहाँ पे करना है. But with the Cas9, इसने किसको trace किया? RNA. DNA से RNA बनता है. है ना, तो उसकी अपोजिट कोडिंग सेम होती है, वो इंटरलॉक करता है। जब नाउ टू लोकेट अ लोकेशन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस9, जरूरत नहीं है, बस समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी फर्स्ट अटैच इट विद द आरएनए, तो आरएनए को हमें पता है जो उसका कोड होगा वो एग्जैक्टली डीएनए के अपोजिट जाएगा, सो इससे हमारी लोकेशन की जो फाइंड करने की जो कैपेबिलिटी थी वो इंक्रीज होगी। सो इन दिस वे इट इज़ अ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर एक तो इट इज़ वेरी क्विक एज कम्पेयर टू अदर, इट इज़ अ चीप ऑल्सो एंड इट इज़ अ वेरी वी कैन से रिलायबल, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, हिज नेम वाज ली जियानकुई, चाइनीज है ऐसे नाम है, ठीक है। From here, it is not a we can say new controversy. From a three parent baby, past में ये जाएँ gene editing की controversy रही रही है हमेशा। Now he gene को ही नहीं किया क्या? He edited a gene in a person, ठीक है? The name of a gene was CCR5. Now this gene is responsible for HIV. HIV जब हमारे body के cell के अंदर enter करता है ना, ठीक है, इट नीड हेल्प ऑफ CCR5, इस जीन की हेल्प चाहिए इसको, ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर समझ आएगा। ओके, नाउ द फादर वाज सफरिंग फ्रॉम HIV, फादर वाज HIV पॉजिटिव, तो इसने क्या किया, जीएमक्यू ने ही जस्ट वी कैन से स्टॉप दिस CCR5 जीन डोमिनेंस, उसको बंद कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस। अब ये बंद हो जाएगा तो उसकी दो डॉटर हुई, वन इज लूडा एंड नाना, ठीक है, कहाँ बिगड़ा ये क्लास का यार स्ट्रक्चर इक्वल। ओके, HIV अब आपको दिख रहा है, HIV नीडेड हेल्प ऑफ CCR5 टू एंट्रा ह्यूमन सेल, इसका मतलब है अगर CCR5 है नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ऐसे हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंटर करे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसने क्या किया, ही जीएमपी ने ही टेक अ जीन ऑफ फ्रॉम अ फादर जो HIV पॉजिटिव था, उसका CCR5 को उसने स्टॉप कर दिया। अब CCR5 स्टॉप है, इसको HIV है, बच्चों को तो नहीं होगी बिकॉज वो एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, दिस इज द इशू। नाउ द वेरियस वी कैन से बायो एथिसिस्ट सेज दैट दिस इज द अनएथिकल प्रोसेस, क्यों, हालांकि है ठीक है कि उसने HIV बच्चों को हुआ नहीं, बट दे सेड दैट देयर आर अदर मेडिसिन ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट विच कैन बी यूज टू सप्रेस द CCR5, समझ रहे हो आप, अगर आपके पास ड्रग्स आर अवेलेबल, ठीक है, जो ट्रायल्ड है, देर इज नो नीड टू टेक अ स्ट्रीम स्टेप दैट इज CCR5, ठीक है, तो वो एडिट करने की जरूरत नहीं थी, तो यू कैन यूज ड्रग्स। सेकंड थिंग इज दैट इट इज नॉट कि भाई CCR को आपने रिसेसिव कर दिया, स्टॉप कर दिया एंड पर्सन इज नॉट सफर फ्रॉम HIV, देयर आर चांसेस, देयर आर अदर वेज
through which HIV can enter a human body cell. और एक जो इशू था इसमें दैट इज द ऑफ टारगेट, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ लो, ठीक है। ऑफ टारगेट, ऑफ टारगेट मीन्स इफ यू आर टारगेटिंग सीसीआर 5 देर आर चांसेस दैट अदर इफेक्ट कैन अकर, ठीक है। ये हो गए इशू हमारे जो नॉर्मल बायो जीन एडिटिंग के, ये इसके रिलेटेड हो गए इशू, नॉर्मल जीन एडिटिंग के इशू जो है दे आर द इशू ऑफ डिजाइनर बेबी। नाउ कल को आप बोलोगे कि शाहरुख खान चाहिए, ठीक है, देन दे हैव टू ऐड जीन अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। इट मींस दैट इफ द पर्सन इज रिच ही हैव कैपेबिलिटी टू एडिट अ जीन फॉर हिज ऑफस्प्रिंग, है ना। अगर अमीर बंदा तो ऐसे डिजाइन कर लेगा, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। सो इट मींस दैट फ्रॉम जेनेटिक डाइवर्सिटी इट विल लीड टू अ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट दिस इज अ गॉड्स एक्ट, ठीक है। तो गॉड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आर क्रिएटेड बाय गॉड। तो यहाँ पर वो कहता है देयर इज नो नीड टू चैलेंज गॉड। अगर हम ऑपोजिट की बात करें, इट हैव अ मच मोर एप्लीकेशन लाइक थैलेसीमिया, जब जीन एडिटिंग की एप्लीकेशन तो है इन हेल्थ पर्सपेक्टिव। सेकंड एक और इशू है, वो कहते हैं इफ द फादर, आजकल क्या है, पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा विराट कोहली बने तो उसको अकेडमी में भेज देते हैं, दे हैव अथॉरिटी ऑन देयर चिल्ड्रन कि उसको कैसा बनाना है। सो वो कहते हैं इन द सेम वे यहाँ पर भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि कैसे जीन मेरे बच्चे में हो, ठीक है। क्लियर है पूरा कंसेप्ट, आगे समझ आपको, ठीक है। चलो हम लिखते हैं, आ गया ना इशू समझ, जीन एडिटिंग कंट्रोवर्सी। चाइनीज रिसर्चर ही जियांगपिंग, एच ई जे आई ए एन के यू आई, एच ई जे आई ए एन के यू आई, जे आई ए एन के यू आई, ठीक है। एलिजिबली मतलब अभी कन्फर्म नहीं हुआ उसने किया है, एलिजिबली मेड फर्स्ट क्रिस्पर एडिटेड बेबीज, एडिटेड बेबीज दैट इज लूडा एंड नाना, ट्विन एंड ट्विन गर्ल्स, ठीक है। देखिए लिखो, ही फोकस्ड ऑन जीन कॉल्ड CCR5, which the HIV virus uses as a doorway for infiltrating human cell, ठीक है। रिपीट करो which the HIV virus uses as a doorway for infiltrating human cell. तो ये CCR5 is used by HIV to infiltrate human cell, ठीक है। अब controversy के chances, उसमें जो issue है, number one, if you want to block, if you want to block CCR5, if you want to block CCR5, there are drugs in market so no need to deactivate normal gene, तो आपको normal gene deactivate करने की जरूरत क्या है,
you can use these medicine. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, डीएक्टिवेटिंग CCR5 does not confirm complete immunity to HIV. ठीक है, even if you block this CCR5, it does not confirm that the person will be immune from HIV. There are other areas also or route also where the HIV virus can enter the cell. ठीक है, the next point लिखो, such deactivation make people more susceptible to other diseases. ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑफ टारगेट कंसर्न अबाउट ऑफ टारगेट इफेक्ट. अब ये तो स्पेसिफिक इस केस के लिए हो गया ना, CCR5 ऑफ टारगेट. ऑफ टारगेट मतलब ठीक है, कंसर्न अबाउट ऑफ टारगेट इफेक्ट, अल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस इन वन पार्ट ऑफ जीनोम मे हैव अनफोरसीन कॉन्सिक्वेंसेस. देखो, अगर जीएन को ही क्या क्वेश्चन भी नहीं आया आपको एग्जाम में, नॉर्मल जीन एडिटिंग, वेदर इट्स अ जीन एडिटिंग और अ थ्री पीरियड बेबी, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, आर्गुमेंट विल बी रिमेन सेम. हाँ जी, लास्ट पॉइंट ऑफ टारगेट वाला, अल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस इन वन पार्ट ऑफ जीनोम मे हैव अनफोरसीन इफेक्ट और मे हैव अनफोरसीन कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अनदर पार्ट ऑफ जीनोम. ठीक है, क्लियर, अब रिपीट करूँ दोबारा, डन. नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेबीज. In future, people may prefer a different traits like hair color, eye color, intelligence trait, ठीक है, which can cause a problem. लास्ट पॉइंट एक लिखो, विच इज जैसे वेरी इंपॉर्टेंट इज सोशल इम्प्लीकेशन. मैंने बताई आपको अभी दैट इफ टेक्नोलॉजी, पहले लिख लिया सारे, इफ टेक्नोलॉजी बिकम रियलिस्टिक सोशल इम्प्लीकेशन, इफ टेक्नोलॉजी बिकम रियलिस्टिक देन इट वुड क्रिएट अ डिवीजन. Then it would create a division between those that can afford the service, between those that can afford the service and those that cannot. ठीक है, so between those that can afford the service and between those that cannot. मैंने ये डिस्कस किया that social implication that rich people can afford the service, वो genetically engineering के लिए afford करेंगे, but the poor people
are not right, who government ke hospital mein hoga nahi tha, theek hai. So wealthy people get desirable traits. Which lead to, from which economic division lead to genetic division. Economic division is already present in our country, है ना? Rich is there, poor is there, but now we are taking a one step extra, that from our economic division to, इस पर आपको question भी आ सकता है, same line, ठीक है? कैसे? That in the light of recent genetic control, gene editing controversy, do you think the economic division lead to a genetic division? तो ये मतलब हाईलाइट लाइन, अगर उसने नहीं लिखी एग्जाम में आप लिख लेना, ठीक है? क्लियर? अभी फेवर में क्या आर्गुमेंट है? That we should need a genetic engineering. मेडिसिन वगैरह है ना, जमीनी हेल्थ इफेक्ट आ जाएगा. चलो लिखो, सर्टेन बायोएथिसिस्ट आर्गू दैट बायोएथिसिस्ट certain bioethicists argued that parents have a right to prenatal autonomy. Prenatal, जन्म से पहले, which grant autonomy. AUTONOMY, ठीक है? Which grant them right to decide fate of their children, ठीक है? कि पेरेंट्स के पास परमिशन है, they have a right to decide the fate of children, कि वो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, ठीक है? Second is designer baby is consumer product, so open to market regulation. It means we cannot, एक commodity होगी, है ना? Designer baby. Sir, consumer product की बात क्या बोल रहा है? So open to market regulation. Regulation. तो वो मतलब you cannot block this thing, gene editing, right? According to them, if the gene editing consumer product हो गया ना, that consumer are aware about this and they want to buy the various practices to alter the gene of their children. तो ये तो एक consumer product हो गया. तो consumer product किसके regulation में आता है? Always market regulation. ठीक है? आगे देखो. Parents already possess. Parents already possess high degree of control over their children's life. So they have a right to select certain gene for their children. है ना? ऐसा IAS बनना है मेरे बच्चे ने, ऐसा बोलते हैं parents, right? नहीं बोलते? Right to select certain genes for children. Last point है, it have a potential in human health. For example, thalassemia,
थैलेसीमिया इज ब्लड डिसऑर्डर है ना, फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये हमारा हो गया जीन एडिटिंग, ठीक है, क्लियर समझ आया।